नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने इस टाइप के ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए देखते हैं आज का सुविचार। जिंदगी में कभी समस्या आने पर कभी निराश न हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टरी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा माउस और कीबोर्ड। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है न्यूमेरिकल कीपैड। किस स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्सर को एक स्पेस दाई ओर खिसकाता है या शब्दों को के बीच स्पेस डालता है, उसे कहेंगे स्पेस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है? तो आंसर होगा टेक्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है आगे का क्वेश्चन? वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो इसका आंसर होगा डिलीट। कैप्स लॉक की को ट्रगल की कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूमेरिकल लॉक का। किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ड्रैगिंग। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर रहता है? तो आंसर होगा माउस पॉइंटर।